friends, we are back with a special segment, and today we have the chirpy Mrunal Thakur, who is sharing with us how she transforms from Mrunal Thakur to Bulbul. Hi friends, आपने हमेशा बुलबुल को देखा होगा या मृणाल को देखा होगा, लेकिन आपने I'm sure ये नहीं देखा होगा कि मृणाल बुलबुल में कैसे transform होती है. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी how I do my makeup और कितना makeup मैं लगाती हूँ. Don't worry, you can be judgmental over that. But हाँ, और makeup करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. So let's begin. नकाब, ये है हमारा नकाब. पता है, during खामोशी मुझे lipstick तक लगानी नहीं आती थी. Lipstick तो छोड़ो, काजल भी नहीं. मतलब I was a tomboyish, I was a tomboy, complete tomboy. But now I've learned. और मुझे बहुत मज़ा आता है. और जब तक कोई एडी बुलाने नहीं आता है ना कि मैम आपका शॉट रेडी है, तब तक वी कीप डूइंग द मेकअप. मतलब एकदम आराम से. अभी तो बहुत आराम फास्ट जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो चाय वरना कुछ खाएंगे साथ में, फिर कोई मिल गया अरे व्हाट्सअप, फिर बातें शातें होती रहती है. मेरी जो म्यूज़िक लिस्ट है ना, सब लोग भाग जाते हैं. बिकॉज मैं अपना रूम दादी के साथ शेयर करती हूँ. नॉट लाइक दादी इज़ लाइक ओल्ड ज़माने वाली दादी. दादी के फेवरेट सॉन्ग्स हैं मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई, ये एक दादी का फेवरेट सॉन्ग है. उसके बाद दादी का फेवरेट सॉन्ग है वो हुस्ना फ्रॉम कोक स्टूडियो, है ना, कोक स्टूडियो से. फिर वो सुनते रहते हैं, वो दादी के फ़ोन में सारे बेसिकली. सो मैं आती हूँ, मेरा तो खाने का काम शुरू रहता है सुबह सुबह. म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं, बट फूड इज़ मस्ट. रूम में आते ही हमारी दादी जो है ये चलाती है टी लाइट. मतलब बीच में वो भी था, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, दैट फ्रेग्रेंस जो आई डोंट नो, एसेंस तो डालती है, बट द टी लैम्प जो होता है ना, टी लैम्प विद द टी कैंडल और व्हाटएवर, वो चलाती है, अगरबत्ती चलाती है. एंड हमारे रूम में एक बाम्बू प्लांट भी है छोटू सा, फिर ये भी बड़ा क्यूट सा है जो भी जल गया, क्योंकि 3 दिन मेरी छुट्टी थी तो 3 दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ. और फिर बहुत सारी पेंटिंग्स भी है. अभी हम गोल्डन आई शेडो लगा रहे हैं. सो माय आईज आर डन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कटिंग जिसे बोलते हैं, जिससे सारे अपने फीचर्स शार्प दिखते हैं. बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है गुलू गुलू रहना. जो मेरा नोज़ जो इतनी स्वोलन हुई, अभी उसको हम लोग शार्प करेंगे, देखते हो पाता है यानी. प्रवीण जज करना, ठीक है. अगर ये मेकअप करते वक्त मेरे रहमान दादा ने मुझे देखा ना, मैं कितना बुरा मेकअप करती हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है. कभी भी वो जब मुझे मिलते तो बोलते ब्लश ऑन किया करो, कटिंग किया करो, ये किया करो, वो किया करो. फिर मैं बोलती हूँ, फिर बोलते नहीं चलेगा. हमेशा मैं देखती हूँ पूरा कुछ सॉन्ग आते रहता है, पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स. मैं पूछती हूँ क्या है, अरे तूने नहीं देखा ये सॉन्ग, न्यू सॉन्ग आया पिंक लिप्स. तो पिंक लिप्स तो नहीं है पर पिंक ब्लश ऑन है एट द मोमेंट. उसको हम बाद में पिंक शेड यूज करेंगे. अभी हम करेंगे आईब्रो. ये जो है ना मेरी टेढ़ी मेढ़ी आईब्रो जो सीन करते हुए ऐसे ऐसे होती नहीं, इसको हम थोड़ा बहुत शेप में लेंगे. फाइनली थोड़ी बहुत इन शेप लग रही है. काफ़ी लोग काजल लगाते हैं, लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेट पे होना होता है तो वो काजल थोड़ा सा फैल जाता है. तो मैं थोड़ा सा लाइनर ही लगा रही हूँ नीचे से, थोड़ा सा काजल.
last my lipstick. Pink lips, pink lips, pink lips. मेरी एक आदत है, शॉर्ट लगने तक मेरा मेकअप उतर जाता है, मेरी लिपस्टिक उड़ जाती है. सो कभी कभी एट टाइम्स मेरा जो नाइट ड्रेस होता है यहाँ पे सीन में, ऐसा लगता है कि घर के ही कपड़ों में, और मैं घूमती रहती हूँ, इफ्तारी वगैरह होती रहती है शाम को, तो सब लोग पूछते हैं क्या तुम घर से आ रही हो कि तुम घर जा रही हो. मैंने बोला नहीं, घर का सीन हो रहा है. अरे ये तो अच्छा है यार, तुम तो ऐसे मतलब ऐसे रहती हो जैसे यू नो इट्स रियली नाइस एंड कम्फर्टेबल. मुझे कम्फर्टेबल, और अगर मेरी सीन इन बिटवीन अगर सीन ना रहे और ऐसे कॉस्ट्यूम्स रहे जो बहुत ही वर्क वर्क वाले हो, तो मैं यहाँ से इन लोग से नाइट ड्रेस मंगवा के नाइट ड्रेस पहन लेती, वरना आई जस्ट वेयर माय कार्डिगन. आई एम हैप्पी नाउ, माय मेकअप इज़ डन. खाली यू कैन सी माय फेस एंड माय नेक डिफरेंस, सो लेट्स मैच इट. दिस इज़ माय नॉर्मल हेयर एंड दिस इज़ माय हेयर ड्रेसर मिस अमीना दी, जो आज मुझे मदद करने वाली है मेरे बाल बनाने में. मतलब मेरे नॉर्मल जो मेरे बाल है और जो बुलबुल के बाल है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. खाली मुझे खाली टचअप करना होता है. सो विद द जी कॉम आई जस्ट मेक श्योर कि मैं कॉम कर लूँ और कोई नॉट्स ना रहे. रो स्ट्रेटनर यूज़ करना पड़ता है, पर इट्स ओके. सुंदर दिखना है ना, तो इतना तो करना ही पड़ता है. जब मुझे लेट हो जाता है ना, मैं भाग भाग के आती हूँ, मेकअप करती हूँ और खाली यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेटनिंग करती हूँ. ये पीछे बाल सारे पीछे, मतलब हो गए स्ट्रेट फास्ट. फिर क्लोजेस के वक्त मैं पूरे करती हूँ स्ट्रेट. मुझे ना पेशेंस थोड़ा कम है. वो खामोशिया के वक्त टोंग होते थे सारे बालों को, ये पूरे बाल टोंग होते थे. मतलब डेढ़ घंटा, गॉड, डेढ़ घंटा फॉर हेयर इज टू मच ना दादी. फिर मैं, और डिनर डिनर होता था तो मैं चेयर पे ऐसे बैठी हूँ, दीदी बाल बना रही है, और मैं ऐसे सो गई, ऐसे ऐसे मेकअप दादा आई शेडो कर रहे हैं और मैं ऐसे. मुझे उठा देते, गौरी उठ, गौरी उठो. वहाँ पे तो मैं सबसे पहले आती थी, सबसे लास्ट में जाती थी. वो मेरा घर था. जिस दिन छुट्टी होती थी ना, तो होमसिक फील होता था, बहुत होमसिक. यू मतलब जब आप रेगुलरली काम करते रहते हो, देन यू क्रेव फॉर हॉलीडे. छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए. और जब लकीली आपको छुट्टी मिल जाती है, तो बोलती नहीं, काम पे बुलाओ, काम पे बुलाओ, काम पे बुलाओ. टू ऑल द व्यूअर्स जिनको बुलबुल के आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक मिसेस तृप्ति चैटर्जी. हाँ, ये भी तो हमारी फैमिली में से है, तृप्ति अरोरा, बुलबुल अरोरा. तो शी डिज़ाइंस माई ड्रेस, मतलब ढूंढती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, बीमार हो, कुछ भी हो, बारिश हो, ये हो, वो हो. अगर खुद अगर उसे लगता है कि मृणाल वोंट बी कम्फर्टेबल, देन शी नोज़ माई व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक. तो उठाती बोलती नहीं, ये उसको अच्छा नहीं लगेगा. शुरू शुरू में, शो की शुरुआत में, तो हमें लेकर गई थी शॉपिंग, मैं और श्रेति हम दोनों शॉपिंग करने गए थे, एंड आई रियली वांट टू थैंक हर. आए, शी मेड माय डे. थैंक यू बाबू. टडैंग, ये दो वेलक्रोज है जो मेरे बालों में ऐसे लगेंगे. और ये है ना आकाश अंकित, वो बोलता है ये क्या तू राइनोसरस बन के घूमती, क्योंकि शॉर्ट के बीच में कभी भी वो हेयर दीदी ऐसे वेलक्रो लगा के हमें छोड़ देती. मतलब मैं तो भागती रहती हूँ, जिससे मत लगाओ वेलक्रो, इतना बोर होता है. लेकिन वो बाउंस, यू नो दैट बाउंस इज सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट लुक्स फैट. तो अब दीदी लगाने वाली, दो तोफ मेरे बालों में. एक दिन तो मुजम्मिल सर ने और श्रृति ने मिलकर क्या किया, मुजम्मिल सर हमारे डायरेक्टर, वो फ्लावर होते हैं ना, एक फ्लावर यहाँ से डाल दिया, एक फ्लावर वहाँ से डाल दिया. बड़ी फनी पिक्चर है, आई अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम. और ये पूरब के पास भी वो बड़ा धमकाता रहता है, करूँ अपलोड, करूँ अपलोड, करूँ अपलोड, करूँ, कर दे जा. फाइनली मैं 45 मिनट्स में रेडी हो चुकी हूँ, और हमारी जो नेहा है
वो जानना चाहती कि मेकअप टिप्स, बुलबुल के मेकअप टिप्स क्या है, पर टिप्स तो नहीं जानती मैं, पर एक ज़रूर जानती हूँ कि एक कहना चाहती हूँ इनफैक्ट आप लोगों से कि बिफोर गोइंग टू बेड आप अपना मेकअप निकाल दीजिए, जो कभी कभी मैं यू नो आई बी लेजी एट टाइम्स, और मैं जब बहुत थक जाती हूँ तो मैं शायद अपना मेकअप मतलब मैं निकालती नहीं और मैं ऐसे सो जाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे जो मतलब स्किन की जो बैंड बचती है आस्क मी, सो इट्स यू शुड ऑलवेज रिमूव योर मेकअप एंड गो टू स्लीप. हाँ, रात को यू शुड ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन बहुत, सो दैट सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो, और अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो फिर मेकअप भी वो ब्रेक होने लगता है, एंड पैची पैची वो दिखने लगता है. सो इन ऑर्डर टू हैव कीप ड्रिंकिंग वाटर, जो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, लेकिन मॉइस्चराइज बिल्कुल नहीं करती अपनी स्किन, बट पिछले एक हफ्ते से आई हैव मेड इट इन माई माइंड कि बेड के बाजू में यू शुड कीप अ मॉइस्चराइजर क्रीम, और वो लगा कि अब सो. Hope you guys have enjoyed this segment. We will be back soon with a new celeb. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Mrunal Thakur. Keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV.